Good morning, students. Today we are going to study a very good topic about ourselves. हम लोग अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम लोगों के बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं. और क्योंकि आपका क्लास बहुत छोटा है और ये टॉपिक बहुत बड़े क्लासेस के लिए है, इसलिए बहुत डीपली हम लोग ना जा रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीजों से हमारी पूरी बॉडी बनी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाना खाते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं, उससे हमें फूड से एनर्जी मिलती है. उसी तरह से हम लोग जैसे सांस लेते हैं, जीने के लिए हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, उसको रेस्पिरेटरी जो है आपके ऑर्गन कहा जाता है, जिससे हम लोग जो है आपके सांस ले रहे हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम लोग खड़े हैं तो किसी एक पर्टिकुलर जो है आपके एक तरह से चीजें हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमारी बॉडी को कोई कंट्रोल करने वाला है, हमें कोई बता रहा है, हमारा ब्रेन जो है हमारी सारी चीजों को बता रहा है कि हमें किस किस टाइम क्या करना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो है, तो ढेर जब किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें ज्यादा चीजों की या फिर आप एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह का सिस्टम हमेशा के लिए बन जाता है और वही जो है पूरे वर्क को परफॉर्म कराता है. तो हमारी बॉडी में भी ढेर सारे सिस्टम है और वो सिस्टम ही पूरा वर्क करा रहा है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे सिस्टम को अगर हम बोले, पहला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. अब देखिए सर्कुलेटरी क्या होता है, सर्कुलेट होने का मतलब क्या होता है, जो है साइकिल वे में चलना, सर्कुलेट होना. तो हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है आप बताइए? ब्लड, ब्लड चल रहा है ना, तो बॉडी से हम लोग का ब्लड एक जगह जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल चल रहा है, तो सर्कुलेट कर रहा है. तो सर्कुलेटरी सिस्टम ये बताता है कि हमारा ब्लड कैसे चल रहा है. तो देखिए इसमें कौन कौन से मेन ऑर्गन के होंगे, जैसे मान लीजिए आपके हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड आता है. और जिस तरह से देखिए जैसे आप लोगों का पंप होता है, वो टुल्लू पंप, पानी पानी भरते हैं घर में, तो टुल्लू चला देते हैं, उससे पानी आने लगता है, वो पानी फेंकने लगता है. उसी तरह हमारा हार्ट है, हार्ट क्या है, हार्ट के अंदर जो है एक तरह से एक पंप की तरह से उसके अंदर ब्लड भरा होता है, और वो ब्लड क्या हो रहा है वो फेंकता है, और ये ब्लड फेंकता है डिफरेंट ऑर्गन्स को. ये अलग अलग ऑर्गन को, ऑर्गन के मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट. जैसे हार्ट से ब्रेन की एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन होते हैं. तो इन सब को ब्लड सप्लाई कौन करता है, ब्लड सप्लाई करता है हार्ट. तो हार्ट से ऑर्गन कौन ले जाता है ब्लड, आर्टरीज. आर्टरीज होती है वो ब्लड को लेकर के जाती है. तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन जो मिला होता है, प्योर ब्लड. तो प्योर ब्लड आर्टरीज लेकर के जाती है ऑर्गन के पास. जब ऑर्गन वर्क करता है तो वो ब्लड क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, और जब गंदा हो जाता है तो ये फिर वापस हार्ट पर वापस आता है, फिर से प्यूरिफाई होने के लिए. तो अब यहां पर क्या है कि ये प्यूरिफिकेशन अब आप ऐसे समझे, हार्ट पे डायरेक्ट नहीं आता, ये लंग्स के थ्रू जो है आपके एक तरह से हार्ट पे आता है, लंग्स होता हुआ. तो जो वापस आता है ब्लड वो किससे आता है, वेन्स से. तो हमारी नसें दो तरह की होती है, दो नसें हैं हम लोगों की, एक नस होती है जो आपके वेन्स कहलाती है, एक नस होती है जिसको कहा जाता है आर्टरीज. तो आर्टरीज क्या होती है, वो जो हार्ट से ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर गया है, प्योर ब्लड लेकर गया है, साफ ब्लड लेकर गया है. और वो ब्लड जो गंदा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन अब नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में लाता है, कौन, वेन्स. तो आर्टरीज और वेन्स ये हम लोग की नसों के नाम है. आगे चलकर के आप पढ़ेंगे ये सब जो है नाम होते हैं जो आपके इस तरह से इसको बना दे. तो ये जो सिस्टम चल रहा है, हार्ट से ऑर्गन में जाना, ऑर्गन से फिर वापस हार्ट में आना, तो ये काम जो है वो किसका होता है, वो आपके एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. तो अभी आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, आगे बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे पूरा इस सिस्टम के बारे में, कैसे ब्लड जाता है, कहां से जाएगा,
हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, कैसे ब्लड निकलता है, किस तरह से जो है जाएगा, कैसे ऑक्सीजन इसके साथ मिलता है, पूरा प्रोसेस आप पढ़ेंगे। अभी आप छोटे हैं इसलिए बस इतना समझिए आपके ब्लड जो है वो कैसे जा रहा है, हार्ट से कहाँ जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स में लेके कौन जा रहा है, आर्टरीज, आर्टरीज जा रही है, और उसके बाद वापस जो आपके ब्लड आता है ये वापस आता है कौन सा जो है आपके ऑर्गन से फिर हार्ट में, और ये कौन लेकर के आता है, वेन्स वापस लेकर के चले जाते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। फिर इसी तरह से हमारी बॉडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, वो क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब जो नर्व्स को कंट्रोल करे, जो हमारी पूरी बॉडी जो कंट्रोल में है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हम लोग का अपना कंट्रोल है, आप समझ रहे हैं बोर्ड पर क्या चीज कराई जा रही है, ये सारी चीज कैसे कंट्रोल हो रही है, नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, चाहे आप खाना खाएं, भूख का एहसास जो होता है वो भी नर्वस सिस्टम से ही हो रहा है, ब्रेन से ही हो रहा है। आपको प्यास लगती है, प्यास का एहसास जो होता है वो भी नर्वस सिस्टम से हो रहा है, ब्रेन से होता है। आपको जैसे लग रहा है कि नहीं कोई चीज गलत लिख दी गई है तो इसको हम मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो हमें ये सेंस भी कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। तो नर्वस सिस्टम हमें सबसे सारा काम कराता है, बॉडी का जितना हम काम कर रहे हैं वो सब किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम कहलाता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अगर काम नहीं करेगा तो किसी तरह का कोई काम बॉडी में नहीं होगा। बॉडी में जितने काम होते हैं, चाहे आपका चलना हो, बैठना हो, उठना हो, सोना हो, जागना हो, ये सब किससे हो रहा है, सब नर्वस सिस्टम से हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम में इससे सबसे मेन जो आपकी चीज होगी वो है ब्रेन, क्योंकि सारी चीज कंट्रोल किसकी वजह से होती है, ब्रेन की वजह से। आप पढ़ रहे हैं वो भी ब्रेन से, हम लिख रहे हैं तो ब्रेन की वजह से, हम कोई भी चीज, हम खाना खाएंगे तो हमें कब खाना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, ये हमें सेंस कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। तो ब्रेन हमें खाना पीना, कब हमें सोना चाहिए, नींद कब आ रही है या नहीं आ रही है, ये एहसास कौन दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। और ये ब्रेन जो है आपके एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक तो ये एक्टिविटी कंट्रोल करता है सर्वर, और प्लस हम खड़े हैं, हम चल रहे हैं, हम लेट जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, तो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को खड़ा होने, बैठने, इन सब चीज में कंट्रोल कैसे करता है, तो ब्रेन से जो है आपके एक तरह से कनेक्शन होता है आपके बैकबोन का। जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, ये पीछे वाली जो हड्डी होती है ये क्या है, ये आपका बैकबोन है, ये बैकबोन, और इसी बैकबोन की वजह से आप खड़े भी हैं, चल भी रहे हैं, सारे सारे काम कर रहे हैं। और ये बैकबोन किससे जुड़ा होता है, नेक के थ्रू जुड़ा होता है, किससे, हेड से। तो इसका कंट्रोल जो है आपके एक तरह से, तो पतली पतली जो नसें होती हैं वो इन दोनों को कनेक्ट करती है आपस में, उसको क्या कहा जाता है, नर्व्स। तो नसें जो होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स जो है आपके बैकबोन में जाती है, और इस बैकबोन में अगर आप देखें तो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन छोटी छोटी हड्डियों को वर्टिब्रे कहते हैं। तो ये अलग अलग वर्टिब्रे होते हैं जो कि बैकबोन को कनेक्ट करते हैं। तो बैकबोन जो है एक तरह से हमें खड़े होने में, बैठने में, उठने में, इन सब हेल्प करता है, और ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन, विद हेल्प ऑफ नर्व्स, नर्व्स की वजह से जो है कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसे नर्वस सिस्टम कहा गया, क्योंकि नर्व्स इसे सारी चीज कंट्रोल कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, तो जिसकी वजह से इसको नर्वस सिस्टम जो है हम लोग बोलते हैं। तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा नर्वस सिस्टम क्या है, जितनी चीज हम लोग की बॉडी में कंट्रोल हो रही है या जो चीज हम समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज कौन कर रहा है, ब्रेन, और ब्रेन जितनी चीजों को कर रहा है वो सब के सब नर्वस सिस्टम में आएगी, और नर्व्स के थ्रू यही जो है कनेक्टेड है आपके बैकबोन से, और बैकबोन क्या कर रही है, बैकबोन हमें सारी एक्टिविटी करा रही है, उठना, बैठना, जगना, ये दौड़ना, भागना, तो ये सब जितनी चीजें हैं वो बैकबोन की वजह से, बैकबोन नहीं होगी तो हम लोग उठ ही नहीं पाएंगे, पड़े रहेंगे जमीन पे, तो इसलिए जो है आपकी सारी एक्टिविटी इससे कंट्रोल होगी। तो ये होता है आपके नर्वस सिस्टम। फिर आपके होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिस्पायर करने का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब है जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो खैर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क होता है, वो आपका अभी जो है एक तरह से टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा फर्क है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, क्या फर्क है ये बड़े क्लासेस में जब आप आएंगे तब आप समझेंगे। अभी आप केवल ये समझ सकते हैं कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं उसको हम लोग इस पूरे सिस्टम को कैसे हमारी सांस
अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पायर करते हैं। तो कहां से शुरू होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक से, नाक से हम सांस लेते हैं, तो इसकी पहले नोज, नाक नाक से जो है आपकी चीजें कहां जाती है, विंड पाइप, यहां पर विंड पाइप। अब आप जानते हैं नाक और मुंह ये दोनों चीजें मिली होती हैं आगे, और ये जो है अभी आगे पढ़ेंगे आप एपिग्लॉटिस होती है, ये हड्डी, ये हड्डी का हड्डी, इसके बाद यहां पर दो नसें होती हैं ऐसे, एक होती है जिसमें एयर जाती है, एक होती है जिसमें फूड जाता है, तो एक जो है आपके विंड पाइप कहलाती है और एक फूड पाइप कहलाती है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो देखिए हड्डी मिलती है ऐसे करके, ये हड्डी हिल करके क्या होती है, जैसे ही आप खाना मुंह से खाते हैं, माउथ से जैसे ही आपने खाना खाया, हड्डी क्या करती है, इस विंड पाइप को बंद कर देती है। विंड पाइप को इसलिए बंद कर देती है कि खाना इसके अंदर ना चला जाए सांस वाली नली में, तो सांस वाली नली के ऊपर आकर के बंद हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जितना है उसको ऐसे ही जाता है। अक्सर आपने देखा होगा खाना खाते टाइम चढ़ जाता है, खूब खांसी आती है, तो कैसे करते हैं, जल्दबाजी में जब आप खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एपिग्लॉटिस पूरा बंद नहीं हो पाता, जल्दबाजी में खाने से क्या होगा कि खाना सीधा विंड पाइप में पहुंच गया, जैसे विंड पाइप में पहुंचता है तो हमें खाना क्या हो जाता है, हंस जाता है, लोग खांसी आने लगती है, पानी पीते बार बार, तो पानी पिए भी हट जाएगा, वो अपने आप नहीं लेगा, ये है आपके एक तरह से विंड पाइप में। तो विंड पाइप में सारी चीज बंद रहती है, उसके अंदर कुछ जा नहीं सकता, तो ये क्या है कि आपके ये जो आपकी हड्डी होती है ये अपने आप जाकर के बंद हो जाती है, और नाक से जब आप सांस लेते हैं तो डायरेक्ट इसी में जाते हैं विंड पाइप। तो नाक से आपने सांस लिया, विंड पाइप के थ्रू कहां जाता है, लंग्स में, फेफड़ों में, वो के लंग्स होते हैं, तो जब हवा अंदर आप लेते हैं क्या होता है, थोड़ा फूलता है पेट, पेट में फूलता क्यों है, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं ये फैल रहे हैं, जब अंदर जाता है हवा बाहर निकलती है चट जाता है, फिर फूलता है फिर निकल जाता है, ये लंग्स होते हैं। और लंग्स से ही जो हमारी बॉडी में जो आपके इस तरह से एयर गई, एयर में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन किसको चाहिए होता है, ये चाहिए होता है हार्ट को, इसलिए लंग्स में जितनी भी हवा गई है ऑक्सीजन लिया है, वही ऑक्सीजन किसको मिल गया, हार्ट को मिलता है, या आप ये कह सकते हैं कि जितना भी जो है आपके लंग्स के थ्रू हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे पाते हैं, इसका मतलब कि ऑक्सीजन इसमें मिला पाते हैं हार्ट में पहुंचे हुए ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन क्या मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो इसलिए लंग्स एक ऐसा जो है हमारा सिस्टम है जो हमारे एक तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम को भी मैनेज करता है, आप ये कह सकते हैं। रेस्पिरेशन में सांस लेने में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप देखेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए जरूरी है आपके तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, नाक से आपने सांस ली, विंड पाइप होता है, विंड पाइप से अंदर गया लंग्स में, लंग्स आपके चल रहे हैं, तो ये जो सिस्टम चल रहा है वो क्या है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहा है। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना मतलब जब खाना कैसे बचता है, तो खाना कहाँ कहाँ जाता है, जब आप खाते हैं तो खाने की शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से, मुंह से आप खाना खाते हैं, मुंह के बाद यही जो है किसमें जाएगा, फूड पाइप में, फूड पाइप के थ्रू नीचे की तरफ उतरता है, फूड पाइप में गया, फूड पाइप से कहाँ जाएगा, पेट के, पेट में जाएगा, जिसको हम पेट कहते हैं, स्टमक, स्टमक में जाता है। हमारे जो स्टमक होती है इसमें डिफरेंट तरह के आपके जूसेस आते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस, वाइल्ड जूस सब होते हैं जो हमारे खाने को पचाते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारे जो खाना जैसे ही गया पेट में, खाने को जो है आपके एसिड्स मिलते रहते हैं, ये जूसेस मिलने लगते हैं, ये जूस क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और ये जो जूस होते हैं ये फौरन खाने के साथ मिलकर खाने को पचाने लगते हैं, खाने को गलाने लगते हैं, तो खाना जो गलता है उसी को कहते हैं खाना का पचना, डाइजेशन होना। तो जैसे ही हमारे पेट में गया तो पेट में जाते ही जो है आपके डाइजेशन शुरू हो गया, तो यहां से डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हो जाता है, तो मुंह में आ गया, आपका जो राल होती है सलाइवा, सलाइवा में मिला,
तो फूड अपने आप जो है गलना शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है, फूड पाइप से स्टमक में पहुंचा, स्टमक में पहुंचते ही जो जूस पहुंचता है, ये जूस क्या करता है इस स्टमक में जो है आपको डाइजेशन शुरू कर देता है। अब ये डाइजेशन कंप्लीट कैसे होता है, ये पहले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत कैसे होती है, ये पत्ती पत्ती छोटी छोटी होती है इस तरह से, बहुत पत्ती पत्ती, और एक होती है बहुत बड़ी सी आंत, जैसे अक्सर आप देखते होंगे कुर्बानी जब होती है, कुर्बानियों में आप देखते हैं ना जब बकरे वकरे कटते हैं तो उसमें क्या है उसकी जो पचौनी निकलती है, पचौनी मतलब पचाने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पचौनी जो उसकी होती है तो उसमें अगर आप देखेंगे एक पत्ती पत्ती जो है आपके वो होती है जिसके अंदर फूड होता है पत्ता पत्ता, और ये बड़ा सा जो है आपके बैग होता है, तो बड़ा सा जो बैग होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो पत्ता पत्ता जो आपके होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो पहले खाना किसमें जाता है, पहले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके अंदर खाना पचता रहता है, पचता रहता है, पचता रहता है, कि हमारा डाइजेशन कैसे हो रहा है, खाना कैसे पच रहा है या खाना कैसे पच करके निकल रहा है, तो हमारा सिस्टम क्या है, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां पर क्या हुआ, ये वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, वेस्ट प्रोडक्ट बन करके जो है हमारे ईगल से जो है आपके निकल जाता है बाहर। तो ये एक तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाता है जो हमारे बॉडी में वर्क करता है। आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है, अभी ये आपके बड़े क्लासेस में डिटेल में आएगा, अभी तो आप छोटे क्लासेस में है, बहुत थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है। फिर इसी तरह से होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीट करने का मतलब बाहर निकालना। तो एक्सक्रीट क्या क्या हम लोग करते हैं, तो एक्सक्रीट जैसे मान लीजिए जो हम लोग टॉयलेट करते हैं तो वो क्या है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ रहा है। तो कैसे जो है आपके यूरिन बन जाता है, यूरिन जो टॉयलेट होता है वो कैसे बन जाता है, वो किस तरह से बनता है, सबसे पहले जो हम लोग जितना भी आपके एक तरह से खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जितना भी खाना होता है वो सब जो है एक तरह से अलग अलग जगह पर बढ़ता है। तो होता क्या है कि जो खाना है वो तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आकर खाना गया और जाकर के उसने एनर्जी दी और सारी चीज जो है निकल गई, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि जब हार्ट से ऑर्गन्स में जा रहा है, गंदा ब्लड जा रहा है, और ये गंदा ब्लड जाता है फिर से हार्ट में जाता है और फिर से जो है आपके एक तरह से प्यूरिफाई होता है, फिर ऑक्सीजन लंग्स जो है उसको ऑक्सीजन देती है और उसके बाद चला जाता है। लेकिन क्या ये गंदा ब्लड ऑर्गन्स को चला पाएगा, बल्कि हमें और सफाई करने की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड में हमारी जितनी गंदगी है वो कौन साफ करता है, वो किडनी साफ करता है, किडनी का काम होता है। तो जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या ब्लड है, ये पहले ब्लड क्या करता है, ये जाता है किडनी में, ये किडनी होती है, तो ये किडनी इधर की तरफ आपके आता है, किडनी में आया, किडनी में आने के बाद जो है एक तरह से जब किडनी में पहुंचता है, किडनी में पहुंच करके उसके बाद जो है अपने आप ये प्यूरिफाई होने लगता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके ये अलग कर देता है, और ये किडनी क्या करती है, बाकी जितनी जो आपके वेस्ट चीज होती है और खराब चीज होती है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे आपने पढ़ा होगा यूरिक एसिड, तो यूरिन में होती है यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड जो है इसी से बनती है, ये जो है आपके बाहर की तरफ निकालता है यूरिक एसिड को, तो ये यूरेटर में ले जाता है, और यूरेटर के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर, तो किडनी से क्या हुआ, यूरेटर में गया, यूरेटर मतलब एक ऐसा जगह होती है जहां पर आपके किडनी से धीरे धीरे आपके इस तरह से जो यूरिन एक तरह से आपके या जितनी भी खराब जो आपके चीजें हैं वेस्ट चीजें हैं वो निकलती है,
और फिर वहां से जाती है एक जगह थैले में, एक थैला जो है वो आपके भरता रहता है, ये थैला हो रहा है यहाँ पे वो भरता रहता है, तो यूरिन उसको यूरिनरी बैग कहते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिन का बैग होता है, आप ये कह सकते हैं। जब बैग भर जाता है तो हम लोगों को लगता है कि हमें टॉयलेट आ गया, जल्दी से हम लोग भागते हैं टॉयलेट कर लेते हैं। तो जब तक बैग भरता है तो बैग जो भरता है वो यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी में जो सिस्टम चल रहा है ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, जिसमें कि आपके क्या एक्सक्रीट हो रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड। तो जो यूरिया ये यूरिक एसिड निकलता है वो आपके इसी से निकलता है, किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जा करके और तब क्या है टॉयलेट के रास्ते निकल जाता है। तो ये सिस्टम है जो हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। अब इसे डिटेलिंग में आप पढ़ेंगे, जब डिटेल पढ़ेंगे तो और मजा आएगा आपको, और चीजें आप जानेंगे कि हमारी बॉडी में किस तरह की मशीन चल रही है, क्योंकि पूरा मशीन है हमारी बॉडी और ये मशीन क्या कर रही है, अलग अलग काम कर रही है, तो सबके अलग अलग काम है और वही चीज जो है ये परफॉर्म करती है। तो बस यही चीज को, यही जो है हम लोगों को पढ़ना होता है कि कौन कौन सा सिस्टम हमारी बॉडी में है। आगे चल करके ये डिटेल में आ जाएंगे, सारे सिस्टम आप डिटेल से पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से कई बार पढ़ लीजिएगा, कई बार इस लेक्चर को सुन लीजिएगा, हेडफोन ईयरफोन लगा लीजिएगा, जिससे वॉइस स्ट्रक्चर आपका क्लियर रहे, हमारी वॉइस आपको क्लियर सुनाई पड़े, और कोशिश ये करिएगा जितनी बार आप देख सकते हैं देखिए, जिससे कि आपको इजीली चीजें समझ में आ जाए कि हाँ क्या क्या चीजें जो है आपके क्या क्या काम कर रही हैं। बाकी सिस्टम जो है आपके डिटेल में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।